हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। सो आज हमारा जो चैप्टर चल रहा है कैलकुलेशन ऑफ YTM, उसका एट पार्ट हम लोग आज करेंगे। सो एक बार ऑडियो वीडियो कंफर्म कर दीजिए। काइंडली कंफर्म दैट ऑडियो वीडियो इज ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो एक्चुअली आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं ऑफ दिस चैप्टर, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस अटेम्प्ट्स में इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जैक्टली आए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इन क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन भी करेंगे एंड विल डिस्कस कि हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन द एग्जाम। सो लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर वन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग विद मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। सो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, राइट? सो ऑप्शंस देखिए। इट इज द प्राइस एट विच द बॉन्ड इज यूजुअली परचेज्ड और सोल्ड। ऑप्शन बी, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द फेस वैल्यू। ऑप्शन सी, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द रिडम्पशन वैल्यू। और ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। सो मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड क्या होता है, इट इज द प्राइस एट विच द बॉन्ड इज यूजुअली परचेज्ड और सोल्ड। सो जिस प्राइस पे अभी करेंटली, राइट, सो करेंट सिचुएशन में हम जिस प्राइस पे अपने बॉन्ड को परचेज या फिर सेल कर सकते हैं उसको हम कहते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड, राइट? सो एज पर दिस हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। दूसरी बात, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द फेस वैल्यू। यस, हमारा जो मार्केट वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन दी करेंट मार्केट रेट, लेकिन जो फेस वैल्यू वो तो फिक्स होती है, लाइक 100 या 1000, राइट? सो इसीलिए हमारा जो मार्केट प्राइस है या जो मार्केट वैल्यू है बॉन्ड का वो डिफरेंट होता है हमारे फेस वैल्यू से, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी भी वो उसके बराबर नहीं हो सकता, राइट? सो जो मार्केट वैल्यू, ऐसा भी तो हो सकता है मार्केट वैल्यू 100 ही हो, फेस वैल्यू तो हमें पता ही है। सो यहाँ पर लिखा है कैन बी डिफरेंट, राइट? इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि इट शुड बी ऑलवेज डिफरेंट फ्रॉम द फेस वैल्यू। सो इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम फेस वैल्यू, यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन, इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द रिडम्पशन वैल्यू, यस इट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि रिडम्पशन वैल्यू क्या होती है कि हम कितना रीपे कर रहे हैं। सपोज हमारा जो फेस वैल्यू है वो है 100 रुपीज और हम लोग रीपेमेंट इसका कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो दैट मींस वी आर रीपेइंग सपोज 105, सो 5 रुपीज फॉर प्रीमियम। सो इट कैन बी ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड। सेम भी हो सकता है लेकिन अलग भी हो सकता है। सो ऑल स्टेटमेंट्स ऑफ ए बी सी आर करेक्ट। सो क्वेश्चन हमसे पूछा है कि बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। कोई भी स्टेटमेंट इन तीनों में करेक्ट, पर ऐसा नहीं है कि नॉट करेक्ट कोई स्टेटमेंट हो, राइट? ये क्वेश्चन क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज बता दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये लास्ट क्लास है हमारा इस चैप्टर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ बॉन्ड इज इक्वल टू। सो जो प्रेजेंट वैल्यू होती है बॉन्ड की वो किसके बराबर होती है? ऑप्शन ए, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इट विल अर्न। ऑप्शन बी,
अमाउंट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर टिल मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर टिल मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड, और ऑप्शन नंबर डी द अमाउंट टू बी रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी। सो बताइए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो है वो किसके बराबर होती है? बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर टिल मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। सो फ्यूचर में जो हमें अमाउंट रिसीव होने वाली है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, सपोज हमारा 100 रुपीज का एक बॉन्ड है और उस पे हमें 8% इंटरेस्ट मिल रहा है फॉर 5 ईयर्स। सो एज पर दिस हम लोग को क्या मिलेगा? 1 साल बाद हमें 8 रुपीज मिलेंगे, फिर सेकेंड ईयर में हमें 8 रुपीज मिलेंगे, थर्ड ईयर में हमें 8 रुपीज मिलेंगे, फोर्थ ईयर में हमें 8 रुपीज मिलेंगे, और फिफ्थ ईयर में हमें हमारा जो प्रिंसिपल है वो और प्लस 8 रुपीज। सो ये जो मैंने लिखा है 5 ईयर्स तक, ये जो वैल्यूज है 8, 8, 8, 8 एंड 108, सो ये सब क्या है? ये सब हमारे फ्यूचर वैल्यूज है, या आप कह लीजिए फ्यूचर में जो हमें पैसा मिलेगा। सो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस टू बी रिसीव्ड इन फ्यूचर टिल मेच्योरिटी ऑफ द बॉन्ड। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, राइट? सो आई होप क्लियर है। अगर डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि ये जो चैप्टर ये थोड़ा ट्रिकी है, इट इज नॉट एज इजी एज अदर चैप्टर्स वाज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद। सो इनमें से कौन सी वैल्यू है जो कि इक्वल होती है टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट एसोसिएटेड विद इट? ऑप्शन नंबर ए मार्केट वैल्यू, ऑप्शन बी सेल और परचेज वैल्यू, ऑप्शन सी इंट्रिंसिक वैल्यू, एंड ऑप्शन डी नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो बताइए। So, क्या होना चाहिए इसका आंसर? मार्केट वैल्यू और सेल और परचेज वैल्यू एक ही बात हो गई, राइट? सो प्रेजेंट वैल्यू अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वो मार्केट वैल्यू के बराबर हो ऐसा जरूरी नहीं होता, राइट? नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू होता है कि जब हम जो भी हमें कैश इनफ्लोज मिल रहे हैं, इसमें से जब हम कैश आउटफ्लो को माइनस कर देते हैं, तो उस टाइम पे जो हमें रिजल्ट मिलता है उसको हम कहते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू, राइट? सो ये भी नहीं होता हमारे प्रेजेंट वैल्यू के बराबर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू। सो हमें हमेशा याद रखना है कि जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है? वो हमारा बराबर होता है इंट्रिंसिक वैल्यू के, क्योंकि इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वो जो मनी है उसकी इंटरनल वैल्यू कितना है, लाइक उसका परचेजिंग पावर कितना है। सो दैट इज व्हाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज इक्वल्स टू इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ बॉन्ड होता है, करेक्ट? सो थर्ड क्वेश्चन क्लियर है? एक बार देख लीजिए, अगर डाउट है तो पूछ लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द होल्डिंग पीरियड ऑफ बॉन्ड फॉर विच द इंटरेस्ट रेट रिस्क डिसअपियर्स इज कॉल्ड। सो वो होल्डिंग पीरियड जहां पर की जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो खत्म हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? यील्ड टू मेच्योरिटी, ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द बॉन्ड और रिडम्पशन पीरियड ऑफ द बॉन्ड। सो बताइए क्या होता है? सो देखिए, YTM क्या होता है? YTM का मतलब कि अगर हम इफ वी होल्ड एनी बॉन्ड टिल इट्स मेच्योरिटी, तो उस समय हमें जो रिटर्न्स मिलते हैं इन परसेंटेज, उसको हम कहते हैं YTM, राइट? सो उसको हम क्या कहते हैं? YTM। YTM क्लियर हो गया? सो YTM है कि अगर हम उस पर्टिकुलर बॉन्ड को टिल मेच्योरिटी अगर हम उसको अपने पास ही रखेंगे तो हमें जो रिटर्न्स मिलेंगे इन परसेंटेज वो होता है YTM। तो ऐसा तो नहीं पूछा क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है कि वो होल्डिंग पीरियड जिसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क खत्म हो जाता है, तो YTM में इंटरेस्ट रेट रिस्क का कोई एज सच डायरेक्ट रिलेशन है नहीं, सो दैट मीन्स YTM विल नॉट बी द आंसर। फिर उसके बाद मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द बॉन्ड, मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द बॉन्ड का मतलब जैसे सपोज हमारा 5 ईयर्स का है, तो ये जो बॉन्ड है इसमें इंटरेस्ट रेट रिस्क डिसअपियर होता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। रिडम्पशन ऑफ वैल्यू ऑफ द बॉन्ड में क्या होता है? इसमें ड्यूरेशन नहीं होता, इसमें तो अमाउंट की बात होती है कि कितना अमाउंट हमें रिटर्न करना है, रीपे करना है। सो इट विल नॉट बी द आंसर। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। व्हाई दिस आंसर? ड्यूरेशन हमारा वो होल्डिंग पीरियड होता है जिसमें कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है वो डिसअपियर हो जाता है। ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू री इन्वेस्टमेंट, ड्यू टू री इन्वेस्टमेंट ऑफ द इंटरेस्ट एट द प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स, राइट? सो द ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड विल बी द आंसर। द होल्डिंग पीरियड ऑफ बॉन्ड फॉर विच द इंटरेस्ट रेट रिस्क डिसअपियर्स ड्यू टू द री इन्वेस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द प्रिवेलिंग मार्केट रेट्स। मैंने आप लोगों को बताया था जब हम ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड पढ़ रहे थे कि ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड वो होल्डिंग पीरियड होता है किसी भी बॉन्ड का कि अगर हम उसको उतने समय तक रखते हैं तो जो इंटरेस्ट हमें रिसीव होना है वो हमें बिफोर मेच्योरिटी हो जाता है। सो उसको हम बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, राइट? सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेट ऑफ रिटर्न ऑन ऑन अ बॉन्ड व्हेन परचेज्ड एट इट्स करेंट प्राइस व्हेन कूपन इंटरेस्ट इज रिसीव्ड इज कॉल्ड। ऑप्शन ए रेट ऑफ रिटर्न, ऑप्शन बी करेंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड, ऑप्शन सी यील्ड टू मेच्योरिटी एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ द अबव। बताइए। देखिए, यील्ड टू मेच्योरिटी जो है ये रेट ऑफ रिटर्न हमारा होता तो है, लेकिन ये तब होता है कि जब हम उस बॉन्ड को टिल मेच्योरिटी होल्ड करें, तो टिल मेच्योरिटी की कोई ऐसी बात नहीं हुई है, तो दैट मीन्स यील्ड टू मेच्योरिटी हमारा आंसर नहीं होगा, राइट?
सो आप लोगों को याद होगा मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड का. सो करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर विच सेज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ बॉन्ड व्हेन परचेज्ड एट इट्स करंट प्राइस व्हेन कूपन इंटरेस्ट इज रिसीव्ड. सो सपोज हम लोगों ने क्वेश्चन भी किया था, फॉर एग्जाम्पल हमारा 1000 रुपीज का बॉन्ड है फेस वैल्यू, और उसपे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कूपन मिल रहा है, वो मिल रहा है 8%, दैट इज 80 रुपीज, राइट. और आपको ये जो बॉन्ड है 1000 की फेस वैल्यू वाला बॉन्ड आपको अगर मार्केट में 800 रुपीज में मिल जाता है, राइट. सो इफ यू विल कंपेयर दिस 80 रुपीज विथ 800, तो आपको कितना परसेंटेज आपको रिटर्न मिल रहा है? सो 80 डिवाइड बाय 800 इंटू 100, सो ये क्या हो जाएगा? 10%. इसका मतलब आपका जो करंट यील्ड है, करंट रिटर्न्स है आपके, वो है 10%. क्यों? क्योंकि आपने इस बॉन्ड को 800 रुपीज में परचेज किया है. सो एज पर द करंट रेट, जो इंटरेस्ट रेट है या जो आपको जो ब्याज मिल रहा है, फिर वो 10% मिल रहा है, राइट. भले उसकी फेस वैल्यू 1000 है, लेकिन आपको तो 800 में मिला ना, उसके अकॉर्डिंग आपको 80 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है, क्योंकि इंटरेस्ट तो हमेशा इस पे मिलेगा, फेस वैल्यू इंटू हमारा जो कूपन इंटरेस्ट है वो करके मल्टीप्लाई करके. तो दैट मीन्स जब हम करेंट प्राइस पे, अगर हमने बॉन्ड को करेंट प्राइस पे परचेज किया और हमें कूपन इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, सो उस समय पे जो हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलता है उसको कहते हैं करेंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड, राइट. सो ये क्लियर है? अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द रेट ऑफ रिटर्न ऑन बाय एन इन्वेस्टर हु परचेजेस द बॉन्ड एंड होल्ड्स इट टिल इट्स मेच्योर्स इज कॉल्ड ऑप्शन ए रेट ऑफ रिटर्न, ऑप्शन बी करंट यील्ड ऑफ द बॉन्ड, ऑप्शन सी यील्ड टू मेच्योरिटी, एंड ऑप्शन डी एनी ऑफ दीज. सो बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? वो रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर अर्न करता है जिसने बॉन्ड को परचेज किया है और उसने उसको मेच्योरिटी तक अपने पास होल्ड किया है. अभी डिस्कस भी किया था हम लोगों ने, प्लीज बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? वेरी गुड सर, राइट आंसर इज YTM, दैट इज यील्ड टू मेच्योरिटी. तो यील्ड टू मेच्योरिटी वो रेट ऑफ रिटर्न होता है जो किसी भी इन्वेस्टर को मिलता है अगर वो अपने खरीदे हुए बॉन्ड को मेच्योरिटी तक होल्ड करता है तो, राइट. सो क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. व्हेन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द कूपन रेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज, अगर हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो हमारा कूपन रेट के बराबर है, तो हमारा जो बॉन्ड प्राइस है वो क्या होगा? ऑप्शन ए लेस देन फेस वैल्यू, ऑप्शन बी मोर देन फेस वैल्यू, ऑप्शन सी इक्वल टू फेस वैल्यू, ऑप्शन डी मेच्योरिटी वैल्यू. सो देखिए, जब भी हमारा जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है या जिसको हम डिस्काउंट रेट कहते हैं, तो वो अगर हमारा कूपन रेट के बराबर होता है तो हमारा जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड है या बॉन्ड प्राइस है जो है हमारा, वो हमेशा फेस वैल्यू के बराबर होता है. सो ये हमारी थियरम्स के अंदर आता है, तो ये आपको याद रखना है. अगर हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हमारा इक्वल है कूपन रेट के, देन बॉन्ड प्राइस विल बी इक्वल टू दी फेस वैल्यू, राइट. सो ये आपको याद रखना है, क्लियर. देखिए
ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो हम लोग हमारे क्लासेस में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। सो देखिए, आप लोग ने अपनी जेआईबी की जो प्रिपरेशन स्टार्ट की है, आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग की जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेस चल रही है, फ्री लाइव क्लासेस चल रही हैं, सो आप उनका भी बेनिफिट लीजिए। वो हमारे ऐप पे हमारा जो यूट्यूब चैनल है आप उस पे जाएंगे, आपको मिल जाएगा। मॉर्निंग और इवनिंग दोनों सेशंस में हमारी क्लासेस रनिंग है, आप उनको विजिट कीजिए। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको और कोई डिफिकल्टी हो रही है कंसेप्ट को पढ़ने में, या आप जो टॉपिक्स हैं उनको आप और इन डेप्थ पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे जो वीडियो लेसन्स हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं और आपके पास एमसीक्यूज नहीं है, तो आप हमारा जो क्वेश्चन बैंक्स है वो आप ले सकते हैं। ये सब आपको अवेलेबल होगा हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट पे। सो काइंडली गो थ्रू दी ऐप एंड वेबसाइट टू अवेल दीज बेनिफिट्स विच आर अवेलेबल देयर, एंड ऑल दीज फैसिलिटीज एंड कोर्सेज आर अवेलेबल एट अ वेरी लो प्राइस बट एट अ बेस्ट क्वालिटी फॉर्मेट, राइट? आप वहां पर जाइए और अपनी जो भी आपको जेबी के प्रेपरेशन में जो भी आपको रिक्वायरमेंट लग रही है, उनको आप वहां से जाके चेकआउट कीजिए, और जो भी आपको बेस्ट सूटेबल है उसको आप अवेल कर सकते हैं बहुत ही अच्छे प्राइस में, राइट? चल, अभी हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। एट्थ क्वेश्चन देखिए, अ बॉन्ड हैज बीन इश्यूड विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹100 एट 8% कूपन फॉर 3 ईयर्स, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 7%। हमें बताना है वैल्यू ऑफ बॉन्ड। वैल्यू ऑफ बॉन्ड का फॉर्मूला हमने देखा था, वैल्यू ऑफ बॉन्ड हम लोग कैसे निकालेंगे, कूपन अमाउंट जो भी होगा इंटू 1/1 r, और जो भी हमारे नंबर ऑफ इयर्स होंगे, प्लस रिडम्पशन वैल्यू इंटू 1/1 r, और थर्ड ईयर मतलब जो भी हमारा nth ईयर होगा, लास्ट ईयर होगा सिर्फ वो। अब अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करें, तो आप देखिए हमारा जो फेस वैल्यू है बॉन्ड का वो है 100, राइट? इस पे हमें कूपन कितना मिल रहा है, 8%। सो दैट मीन्स कूपन अमाउंट कितनी हो गई हमारी, ₹8, ठीक। फिर उसके बाद जो डिस्काउंट रेट है जिसमें हमें डिस्काउंटिंग करनी है, या आप कह लीजिए जो हमारा स्मॉल आर है, वो है हमारा 7%, राइट? तो हमारा बॉन्ड प्राइस जो है वो क्या होगा, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। हमने ये फॉर्मूला पुट किया, इसमें वैल्यूज रखेंगे, कूपन अमाउंट है हमारी ₹8 इंटू 1/1 प्लस रेट कितना है 7%, तो इसको हम लिखेंगे 0.07 की पावर 3, प्लस रिडम्पशन वैल्यू कितनी है 100 इंटू 1/1 प्लस 0.07, सो अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए कि यहां तक आप लोग को क्लियर है ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूमेरिकल है और ये 2 मार्क्स में एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, राइट? अब देखिए हम क्या करेंगे, हम इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे पहले। तो हम क्या करेंगे इसके लिए, कैलकुलेटर पे 1/1.07 करेंगे, राइट? और इक्वल्स टू करेंगे और एम प्लस दबाएंगे, जितनी बारी हमारी पावर है उतनी बार करेंगे। हमारी पावर 3 है, 3 ईयर्स है, तो 3 बार हम ऐसा करेंगे, और फिर हम मेमोरी रिकॉल जो MRC वाला जो बटन है उसको प्रेस करेंगे और हमें हमारा एक वैल्यू मिलेगी। देखिए इसको करते हैं मेरे साथ, कीजिए आप लोग भी कैलकुलेटर से। 1/1.07 इक्वल्स टू 0.9345 समथिंग वैल्यू आया, फिर उसको मैंने एम प्लस कर दिया, देन इक्वल्स टू एम प्लस, देन इक्वल्स टू एम प्लस, फिर उसके बाद हम MRC प्रेस करेंगे, तो हमें जो वैल्यू मिली है
वो मिली है 2.6243, राइट। फिर उसके बाद ये वाली जो वैल्यू होती है दूसरी, इसको हम कैसे निकालते हैं? इसमें हमें मेमोरी का कोई रोल नहीं होता, सो इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल 1 डिवाइड बाय 1.07 करेंगे, इक्वल्स टू करेंगे 3 टाइम्स, और जो थर्ड नंबर पे जो वैल्यू होगी उसको नोट डाउन कर लेंगे। 1 डिवाइड बाय 1.07 इक्वल्स टू 1, 2, 3। तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.81629, राइट। अब हम इनको सॉल्व कर लेंगे अगर, तो देखिए हमें क्या मिलेगा। सो 8 की मल्टीप्लाई जब हमने इसमें की तो हमें क्या मिला, 8 × 2.6243। सो ये हमें वैल्यू मिली है 20.99, और इधर से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमें क्या मिलेगा, 81.629। इसको हम ऐड करेंगे, तो हमें वैल्यू मिलेगी 102.619। पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट्स हैं अगर वो थोड़ा अलग भी होंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आप देखिए हमारा जो आंसर है वो आया 102.619। सो अब 102 के दो ऑप्शंस हैं, एक तो एग्जैक्ट 102, तो वो तो हमारा नहीं है, थोड़ा हमारा 61 के पास आ रहा है। अगर हम इसको राउंड ऑफ भी करेंगे तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 102.59। सो एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए, अगर डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, जो भी क्वेरी है, आई एल गिविंग यू सम टाइम। सो चलिए देखते हैं इसको आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है अ 10% 6 ईयर्स बॉन्ड विथ फेस वैल्यू 1000 परचेज बाय जेड फॉर ₹900, व्हाट इज दी YTM, राइट। सो इसमें हमें फेस वैल्यू दिया है 1000, कूपन रेट है 10%, मैच्योरिटी है 6 ईयर्स, और इसको जेड ने परचेज किया था, मतलब इसका जो मार्केट प्राइस है वो है 900। हम लोगों ने YTM में क्या पढ़ा था, YTM में हमने पढ़ा था कि YTM वो रेट होता है जिस पे हमारा जो मार्केट प्राइस है बॉन्ड का वो हमारा प्रेजेंट वैल्यू के बराबर होता है, राइट। तो मार्केट वैल्यू हमें पता है 900 है, सो प्रेजेंट वैल्यू भी हमारी 900 होनी चाहिए। तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू 900 किस परसेंटेज पे आएगी ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। सो देखिए नॉर्मली इस क्वेश्चन को करने का तरीका होता है हिट एंड ट्रायल, लेकिन जब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं
तो हम क्या कर सकते हैं कि डायरेक्टली इन ऑप्शंस को पुट करके हम देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो 900 किस परसेंटेज से आ रहा है, राइट? सो उसके लिए तरीका क्या है? अगेन द सेम फॉर्मूला, देखिए वही जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड है उसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कूपन अमाउंट जितना भी हमारा कूपन है इनटू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस r पावर n प्लस रिडम्पशन वैल्यू इनटू 1 डिवाइड 1 प्लस r की पावर n। सो कूपन कितना है हमारा? 1000 का 10%, 100। सो 100 हो गया हमारा कूपन रेट इनटू, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम 12.50 पुट करके देखेंगे। सो उसके लिए हमें करना पड़ेगा 1 डिवाइड बाय 1 पॉइंट, अब 12.5 क्या आएगा तो उसको लिखेंगे 0.125। सो 0.125, और इसको हमें करना है कितने टाइम्स? 6 टाइम्स। तो अगेन हम, आपको पता है क्या करना है, वही मेमोरी प्लस वाला, पहले वाले में मेमोरी प्लस वाला अप्लाई होता है। सो इसको हम निकालते हैं 1 डिवाइड बाय 1.125 इक्वल्स टू एम प्लस 6 टाइम्स करेंगे ऐसा। तो हमारी वैल्यू आई है 4.0538 समथिंग, और रिडम्पशन वैल्यू कितना है हमारा? 1000। यहाँ पर हमें सिर्फ 6th ईयर का नंबर चाहिए, तो 1 डिवाइड बाय 1.125 की पावर। हम चाहे ना इस नंबर को पहले नोट भी कर सकते हैं, जब हम एम प्लस कर रहे होते हैं तो तभी भी हम नोट कर सकते हैं, बट इट्स ओके, हम लोग दोबारा कर लेते हैं। 1 डिवाइड बाय 1.125 इक्वल्स टू 6 टाइम्स करना है, 2 3 4 5 6। सो हमारी वैल्यू आ रही है 6 में 4932। इसमें अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 की, तो हमें यहाँ जो वैल्यू मिली है इससे वो मिली है 493.270, और इधर हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 4.05। ये हमारी आ जाएगी 405.38। इन दोनों को टोटल करेंगे 493.270। तो ये देखिए हमारी जो वैल्यू है ये 898.65। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूंगी तो ये हमारी आ जाएगी 899। सो आप देखिए इट इज ऑलमोस्ट नियर अबाउट 100। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा? 12.50। सो इसी तरह से आप बाकी के ऑप्शंस पे भी ट्राई कर सकते हैं, राइट? बाकी के ऑप्शंस पे आप ट्राई करेंगे तो जिस परसेंटेज को भी लेकर हमारा आंसर 900 या उसके नियरेस्ट वैल्यू तक आ जाएगा, दैट परसेंटेज विल बी आवर आंसर एंड दैट परसेंटेज विल बी दी YTM। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है, अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछ लीजिए। सो देखिए इन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा खुद से भी, तभी आप लोग को आ पाएगा, थोड़ा कैलकुलेटर उठा के आप प्रैक्टिस कीजिए, राइट? सो कोई भी आपके डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, कोई अदर क्वेरी होगी तो आप मैसेज कीजिएगा हमें, एंड काइंडली जो भी आपको इस क्लास को देखकर लगा है सो अकॉर्डिंगली आप लाइक या डिसलाइक कर दीजिएगा क्लास को, और अगर आपको लगता है कि क्लास बेनिफिशियल है तो काइंडली शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो क्लासेस है वो रेगुलरली मॉर्निंग इवनिंग सेशंस में चल रही हैं, सो आपका उनका जो नोटिफिकेशन है वो आपको ऑन टाइम मिलते रहेगा और आपकी जो क्लासेस है वो मिस नहीं होंगी। सो थैंक यू सो मच एंड वी विल कॉन्टिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास।